So first of all, I would like to introduce our Sagar Sangam Effusion Band members to all of you guys. Starting from left, Odisha, most popular lead guitarist, then Sagar Sangam Effusion Band. Lead guitar player, one only, Ansuman Baksla. Inke liye jordaar nali, sabhi ko honi chahiye. Thank you. Besides him, our Odisha's one only, Mr. Kalia. Inke liye jordaar nali hona chahiye, sabhi ko honi. Thank you. আমি আসিল দুই ঘন্টা প্রোগ্রাম করব, তারপরে ঘরক পড়ব। কিন্তু প্রকৃতরে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এত সুন্দর মঞ্চ তৈরি করছেন, এত সুন্দর গ্রিট লগাইছেন, এত সুন্দর সাউন্ড আউটপুট আছে, এত সুন্দর লাইট লগাইছেন, যে কর্মকর্তা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আপনার চেয়ার পকাইলে, আপনার যে কর্মকর্তা চেয়ার বসি পারছেন, মু চাইবি আজিকার এই কার্যক্রম সামনা হোক বা চারিআড় গোটে জোরদার কর্তা হয়ে যাও। কমিটি পাই সমস্ত ধন্যবাদ। So I am your today host W B presenting first fusion band of Odisha Sagar Sangam. कहानी है सर, ये कहानी है सन 1947 पाकिस्तान की सरकार मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में तीन हिंदुस्तानी जवानों को फांसी की सजा सुनाती है। जब पाकिस्तान की सरकार उन तीन हिंदुस्तानी जवानों को फांसी के तख्त पर ये पूछती है, तब उन तीन हिंदुस्तानी जवानों से पाकिस्तान की सरकार कहती है कि ऐ हिंदुस्तानी जवान, मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो हिंदुस्तानी जवान कहते हैं कि ऐ पाकिस्तान के मुल्क, ऐ पाकिस्तान की सरकार, मरने से पहले हम हिंदुस्तानी अपने भगवान को बुलाना चाहते हैं। तभी पाकिस्तान की सरकार मंजूरी देती है कि ऐ हिंदुस्तानी जवान, मरने से पहले तुम अपने भगवान को कितना बुलाना चाहते हो बुला लो। पाकिस्तानी भाई है, ये तो मुसलमान है, अपना पाकिस्तानी भाई है, इसे ना मैं सिख हूं ना मैं ईसाई हूं, मैं एक हिंदुस्तानी हूं और हमारे हिंदुस्तान में सबका मालिक एक और सबकी मां भारत माता कहलाती है, इसलिए हम अपने आप को ना हिंदू कहलाते हैं, ना मुसलमान कहलाते हैं, ना सिख कहलाते हैं, ना ईसाई कहलाते हैं, हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहलाते हैं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा।
पक्षरे भाई को नियर में छंदी आपन में छिड़े जांदू समस्त में भारतीय मैं चाहूंगा सभी खड़े हो जाएं और सभी अपने दोनों हाथों को कृपया ऊपर उठाएं जितने भी लोग हैं यहां सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं और मैं चाहूंगा हमारे हिंदुस्तान के सरहद पे शहीद हुए क्यों वही कुछ सुना जाए गलती माफ जिनको तकलीफ हुई थी उठने में खैर माफ करें कल आता है थैंक यू तो